हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी स्कूटी का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि एक 2020 का मॉडल है और होंडा का एविएटर स्कूटर है। देख सकते हैं आप फ्रंट से इसकी लुक। फ्रंट से स्कूटर में एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है और इसकी फ्रंट से जो बॉडी है वो मेटल की है। ये मैंने स्पार्टन रेड कलर परचेज़ किया था, जो कि बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही शाइनी है, बड़ा ही ब्रिलियंट लगता है देखने में। ये कुछ इसकी साइड से लुक देख सकते हैं आप। साइड से लुक दोस्तों बहुत शानदार है और टेलीस्कोपिक इसमें सस्पेंशन मिल जाता है फ्रंट का, रियर का सिंगल शॉक ऑब्जर्वर मिल जाता है। देख सकते हैं क्या स्कूटर है। इसको मैं लगभग 13,000 किलोमीटर चला चुका हूँ एक साल के अंदर और 13,000 किलोमीटर का ही एक रिव्यू करवाने वाला हूँ। देखिए पीछे से लुक, टायर भी 13,000 चलने के बावजूद भी टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये कुछ सीट कवर है जो कि कंपनी से ही हमें मिला था और ये वही मेरा स्टड्स का हेलमेट जो कि मैं यूज करता हूँ अपनी बाइक राइड के लिए, स्कूटी राइड के लिए। ये कुछ मीटर का लुक देख सकते हैं आप। देखिए 13,128 किलोमीटर चल चुका है। 13,128 किलोमीटर में इसमें लगभग मैंने 2,000-4,000 का ही अब तक खर्चा किया होगा, क्योंकि स्कूटी की जो सर्विस होती है वो बहुत मिनिमम होती है, बहुत ही बेयर मिनिमम कॉस्ट होती है जो कि इंसान से आसानी से इंसान झेल सकता है। 13,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 का पेट्रोल लग गया होगा, इससे ज़्यादा इसका पेट्रोल भी नहीं लगा है क्योंकि इसकी माइलेज 55-60 की है। तो कुछ इसके बारे में आगे बताना चाहूँगा। एक तो इसमें जो फ्रंट के टायर हैं वो हमको MRF के मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, और 13,000 में अभी तक टायर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी टायर घिसा नहीं है, टायर एकदम अच्छी कंडीशन में है। स्टार्ट करके आवाज़ सुनाता हूँ इसकी मैं आपको, देख सकते हैं पीछे से स्टार्ट हो गया है स्कूटर। देखिए बहुत ही बढ़िया और उमदा स्कूटर है दोस्तों, इंग्लिश स्कूटर है, लेके बंदा कभी इसे पछताएगा नहीं होंडा की बाइक को, इसके बारे में मैं यही बताना चाहता था। अच्छा, इसमें जो ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं, ये जो फ्रंट का ब्रेक, जो रियर का ब्रेक है, ये कॉम्बी ब्रेक है, मतलब आप इस ब्रेक को प्रेस करेंगे तो आगे और पीछे के दोनों टायरों में ब्रेक लगेगा, जबकि एक ये वाला जो ब्रेक है ये इंडिविजुअल ब्रेक मिल जाता है सिर्फ फ्रंट के लिए। LED इसमें हेडलैम्प है जो कि इतने जस्टिस कर नहीं पा रहे होंगे क्योंकि मैं दिन के समय शूट कर रहा हूँ, अगर रात में हो तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक है। तो बाकी इसकी जो माइलेज है लगभग 45 की माइलेज ये स्कूटर देता है और 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर प्रति आसानी से चला जाता है अगर बंदा इसे 50-55 की स्पीड से चलाए तो। बाकी अगर आप 70-80 चलाएंगे तो 30-35 की माइलेज देगा। इंजन ऑयल इसका रिप्लेस करना पड़ता है मुझे हर 2000 किलोमीटर के बाद, हर 2000 किलोमीटर पे इसका इंजन ऑयल रिप्लेस कर देता हूँ मैं, साथ में इसका गियर ऑयल भी रिप्लेस कर देता हूँ। अभी तक मैंने इंजन ऑयल और गियर ऑयल रिप्लेस करवाने के अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं करवाया 1.5 साल में। देख सकते हैं स्कूटर बहुत ही शानदार है। एविएटर जो ये BS4 वाला मॉडल है, इसके अंदर एविएटर जो है हमको ऐसे इम्बोज मिल जाता है, और ये माफ़ करना दोस्तों ये HET इसके नीचे छुप गया है, देख सकते हैं एक BS4 मॉडल है, एक बहुत ही अच्छा और शानदार स्कूटर है। इसका रिव्यू मैंने आज किया है आप लोगों के लिए और कमेंट्स में मुझे बताइए आपको कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे इसके बारे में। टॉप स्पीड स्कूटर की मैक्सिमम 80 है, जो इसके अंदर कॉइल कंपनी से आई है लग के, उसका जो मैक्सिमम करंट जो सप्लाई कर सकते हो वो मैक्सिमम 80 तक की स्पीड ही भगाएगा, उससे ऊपर ये जाता नहीं है। मीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे 90
80 और 90 के बीच में सुई आ जाती है, बस इससे ज़्यादा ये इसकी सुई जाती नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा तेज नहीं चल पाता स्कूटर। तो वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैंने आज अपने होंडा एविएटर का रिव्यू किया है, जो कि एक 13,000 चला हुआ स्कूटर है, जिसे मैं लगभग 1-1.5 साल से चला चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, वंदे मातरम।